वाटर प्रूफ कपड़े बनाती है, साथ ही इनके कपड़े को पहने हुए धोनी को स्पॉट किया जाता है। देखो कुछ खतरनाक हो और हम उसे रिव्यू ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रांड का नाम आइटम्स और नीचे देखो लिखा हुआ है इंटेलिजेंट अप्रैल। अर्जी इनकी काफी ज्यादा अच्छी है, फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खूबसूरत सा सिंपल सा टी शर्ट, प्लास्टिक पे भी आपको टर्म्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। वैसे अगर टी शर्ट की बात करें, बहुत खूबसूरत सॉलिड सेज ग्रीन कलर का टी शर्ट है। यहाँ पर ऑब्वियसली आपको राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, लेफ्ट चेस्ट पे आपको यू आर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इनके ब्रांड नेम टर्म्स में ना यू आर इनका लोगो है, इम्बोस्ड प्रिंटिंग है। फैब्रिक अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर आपको 95% कॉटन एंड 5% स्पेंडेक्स देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक अगर इन जनरल क्वालिटी की बात करें ना, तो काफी स्मूथ एंड स्ट्रेची सा फैब्रिक फील होता है। एंड पहनने में भी भाई बहुत अच्छी फिटिंग आ रही थी। ये कोई ओवर साइज टी शर्ट नहीं है, बल्कि एकदम रेगुलर फिटेड वाला टी शर्ट है, जैसा मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद आता है। इसके मल्टीपल कलर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे। ऑल्सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस ब्रांड। फटाफट देखते हैं भाई नेक्स्ट टी शर्ट को, और जो वाटर प्रूफिंग वाला टेस्टिंग है ना, वो एकदम लास्ट में करेंगे जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं भाई, वो है एक पोलो खूबसूरत सा शर्ट। नॉर्मल आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा, दो बटन देखने को मिल जाएंगे, हर बटन पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, शॉर्ट स्लीव मिलता है, एंड में आपको हेम का काम मिलेगा और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली साइड में कटेड होगा। और एक चीज देखोगे ना, जो कि इनके हर कपड़ों में होता है, इवन टी शर्ट में भी था, नीचे की तरफ यहाँ पर इंटेलिजेंट अप्रैल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखो ये जो इनका फीचर है ना, वो फीचर की तरह अगर अंदर तरफ लिखोगे ना, जैसे इसके कॉलर के अंदर में भी लिखा हुआ है, साइड साइड में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ तक अच्छा लगता है। अब इसे बाहर की तरफ लिखना, स्लीव में लिख देना, ये चीज ना पसंद नहीं आई मुझे। यहाँ पर भी आपको यू आर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, बैक की तरफ से पूरा प्लेन है। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें पीछे देख लो। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो सेम यहाँ पर भी वही आपको रेशियो देखने को मिल जाएगा कॉटन एंड स्पेंडेक्स का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई एक खूबसूरत सा जीन्स इनका। अगर पर्टिकुलर जीन्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई फैब्रिक काफी ज्यादा हेवी फील हो रहा है। टर्म्स के यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। फीचर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेन रिपेलेंट यानी वही वाटर प्रूफ वाला चक्कर, एंटी ओडोर यानी भाई महकेगा नहीं आपका जींस। ऐसे जींस सूंघता कौन है मेरे को ये नहीं पता चल रहा है। वैसे अगर कलर की बात करें, लाइट ब्लू कलर का जींस है। क्लोजर के लिए आपको मेटल के बटन देखने को मिल जाएंगे विद द ब्रांडिंग। गोल्डन कलर आपको चेन देखने को मिल जाएगा, आईकेके का चेन है, क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होने वाली। साइड साइड में आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, छोटू पॉकेट मिल जाएगा, जैसा होता है जींस वैसे ही एक्जैक्टली। पीछे की तरफ आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, अच्छे बड़े आपको बेल्ट लूप देखने को मिल जाएंगे, और पीछे एक लेदर का पैच मिलेगा। यहाँ पे आपको टर्म्स की ब्रांडिंग मिलेगी। इवन एक एक स्टिचिंग की डिटेलिंग को भी अगर आप देखोगे ना, एकदम ही एकदम प्रीमियम जींस की ये वाइब देता है, एंड प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। हालांकि अगेन वही प्रॉब्लम मुझे क्या लगी कि अभी के लोग ना थोड़ा सा लूज फिट, बैगी फिट या थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन में पहनना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक कलेक्शन है इनके पास, लेकिन पहनने में भाई काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। मैं इतना चिपका हुआ जींस पहनता नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रेच अच्छे से हो रहा था। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। एंड याद रखो ये भी एक वाटरप्रूफ जींस है, इनमें देखकर जरूर जाना। ऑलराइट नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, फटाफट से निकालते हैं। ये एक खूबसूरत सा चीनो या कैजुअल पैंट बोल लो आप। यहाँ पर भी आपको साइड साइड में कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, बड़ा सा आपको क्लोजर के लिए बटन देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल सा आपको चेन देखने को मिलता है, जैसा जींस में था काफी अच्छी क्वालिटी है। नेवी ब्लू कलर का पैंट है, लेकिन वो एकदम ही नेवी ब्लू नहीं, हल्का ना वॉश जैसा आपको फीलिंग आएगा इसको देखकर, थोड़ा सा फेडेड टाइप का लगता है। पॉकेट के साइड में यहाँ पर भी इन्होंने वही लिख दिया। बाकी बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे, काफी स्टैंडर्ड इसकी फिटिंग आती है, फैब्रिक एकदम लाइट स्ट्रेच होता है। लेकिन एक बहुत तगड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, राइट वाले पॉकेट के ऊपर भी ना एकदम छुपा रुस्तम टाइप का एक पॉकेट यहाँ पर बनाया गया। लिटरली अगर इस चेन को हटा दो ना तो दिखता भी नहीं है। ऐसे पॉकेट्स भाई मुझे बहुत पसंद आते हैं, काफी काम आते हैं। पीछे की तरफ आपको दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, इनर साइड वाले पॉकेट्स है, दोनों में आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। राइट पॉकेट के ऊपर में आपको यू आर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू की गई है। ओवरऑल देखो कोई भी ब्रांड रहे, इससे 20 गुना साइज वाली भी ब्रांड रहे ना, तो वहां पर कुछ वो इनोवेटिव नहीं कर देगी। ब्लू पैंट रहेगा, कॉटन पैंट रहेगा। लेकिन दो तीन चीजें आपको जाननी चाहिए इस ब्रांड के बारे में। एक तो ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि इनके जीन्स या फैब्रिक से कलर थोड़ा सा छूटता है। साथ ही दूसरी मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इनके प्राइसिंग में लगती है भाई, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इनके प्रोडक्ट्स हैं। लिटरली वो जीन्स 3000 का था, पोलो शर्ट सिंपल सा व्हाइट कलर का 1800 रुपए का है, टी शर्ट 1000 रुपए के ऊपर का है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि चलिए मेन फीचर की बात कर ले, तो हमने सारे कपड़ों पर वॉटर डालकर देखा, काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, बिल्कुल ही एकदम फ्लोट करके निकल जाता पानी, और जरा सा भी आपको गीला फील नहीं होता। लेकिन एक चीज आप जान लो, ये चीज ना मेरे लिए नई नहीं है। आज से 10 साल पहले मैंने एक लिवाइस का जींस खरीदा था, उस टाइम उस जींस में ये वाली फीचर थी, और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वॉश करते करते ना ये जो फीचर है वाटर रिपेलेंट वाला, वो धीरे धीरे चल जाता है। तो इतना पैसा देना उस चीज के लिए जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, मैं तो ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं कर दूंगा। साथ ही अगर रियलिटी की बात करें ना, तो इन जनरल बड़ों से ना उतनी चीजें बॉडी पे गिरती नहीं है कि उनको वाटर रिपेलेंट वाटर प्रूफ कपड़ा पहनने की जरूरत है। अगर ये बच्चों के लिए होता तो मे भी कुछ सेंस बनता इसका। आप मुझे बताइए कि इन कपड़ों को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, आप पहनना चाहोगे क्या वाटरप्रूफ कपड़ा। वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और
और बहुत सारे शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद। पेस्ट बूम।